लगातार हो रहे पिछले एक सप्ताह से मानसून ने अपनी चरम सीमा पार कर ली। बता दें कि भारी वर्षा के कारण भिवंडी शहर के कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिली। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले कई सालों से भिवंडी शहर की एक ऐसी जगह जो हमेशा बाढ़ का शिकार हुआ। बता दें कि तीनबत्ती भाजी मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नदी का एक तेज बहाव जैसा सड़क दिखाई दिया। दुकानों की बात की जाए तो किराना दुकान हो, कपड़ों की दुकान या फिर होटल, सभी दुकानों में पानी भरा हुआ था। ऐसे में दुकानदारों का काफ़ी नुकसान भी हुआ, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है उनकी दुकानों में जाता हुआ दिखाई दिया। विशेष तौर पर एक तस्वीर हम आपको ऐसी भी दिखाएंगे जो हमेशा सवालों के घेरों में आता है, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका को लेकर। आपातकालीन विभाग के लोग, हम आपको बता दें कि ऐसे भारी संकट में भी कहीं ना कहीं चुप्पी थाने हुए रहते हैं। ये तस्वीर भिवंडी के मंगल बाजार स्लेब के करीब की है, जहां आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले राहगीर एक दूसरे की मदद कर इस तेज बहाव के पार कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक चैन सिस्टम बनाया गया और जो राहगीर हैं उन्हें बाकायदा गाइड किया जा रहा है, पानी के तेज बहाव के बीच से एक दूसरे की मदद से इस पार से उस पार जाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर भिवंडी के तीनबत्ती भाजी मार्केट मंगल बाजार स्लेब के चौक की है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जल जमाव जैसी तस्वीर देखने को मिली, कि लोगों ने खुद एक दूसरे की मदद कर सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना उनको खुद करना पड़ा।